भाई पहला सेट जीता खंजरपुर ने, दूसरा जीता रेलवे ने, तीसरा फिर खंजरपुर ने और चौथा शुरू ने। अगर किसी वजह से दो दो बराबर होंगे, बहुत बढ़िया, ऐसे दो दो बराबर हो सकते हैं, दो एक। हाँ, ये मैं स्कोर दो दो बराबर नहीं कर रहा, मैं सेट कह रहा हूं कि सेट अगर दो दो बराबर होंगे तो मुकाबला 15 अंकों में पहुंचेगा। बहुत बढ़िया, काटे की टक्कर करते हैं सम्मान बचाने के लिए। तो भाई 3-2 दोनों टीमों के लिए पूरम कोर्ट भाग्यशाली सिद्ध हुआ है। टीम जब पूरम दिशा में जाती है तो पहले में रहती है और पश्चिम में आने के बाद नुकसान में हो जाती है। यह अंधविश्वास इस बार दूर करना पड़ेगा। बढ़िया चांस इस बार अटैक करने का, तो ये दुर्भाग्य रहा है। अंकित ने काफी देर तक ऊपर वाले से दुआ भी की कि बाहर गिर जाए, पर कबूल नहीं हुई। 3-3 बराबर। अभी 4-4 बराबर। ये भाई वाह, ये बलून पहले सेट में होना चाहिए था। भाई वाह, अजब इस बार से टीम की दीवार खड़ी कर दी। हल्दी पहले तो ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो दूसरे ब्लॉक में चली। 5-4। अच्छा 5-4 के साथ 5-5 बराबर। और भाई हमारे बीच में यूट्यूबर विजय नोट साहब हैं, हर्षित इनका चैनल है प्राइम वॉलीबॉल HS, इसे सर्च करके इस टूर्नामेंट से संबंधित सभी वीडियो आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं यूट्यूब पर। ये
जय बंदे वे पीछे चली गई थी। बहुत बेहतरीन यहाँ पर सपोर्ट रही रोमिल की और यहाँ पर इससे खतरनाक अमलपुर का भाई का पोपे को नहीं जो भाई पोपे को जो रो रहा है बहुत बढ़िया पॉइंट मिला यहाँ पर और 18 बराबर 8-12 हो गए। इस सेट के ऊपर दारोमदार है हारती है खंजापुर की टीम तो मुकाबला सुप्रीम कोर्ट से कम में बात नहीं बनेगी और हार गई रेलवे की टीम तो मैच यहीं पर समाप्त। नहीं भाई विपरीत दिशा में चल गई और इसी के साथ कमांड गेट में 10-8 अगला मैच मैच ऑफ थ्री होगा। 3 सेट होंगे 25-25 के। तैयार रहे भाई दादा पंजाबी कलम और दूसरी टीम खजरपुर की दोनों टीम तैयार रहे क्योंकि ये मैच समाप्त जल्द। अगले मैच में जो टीम देर करेगी बस बुलेट हाथों से निकल जाएगी। सब्स्टिट्यूशन शुभम को मौका दिया गया उसके गौरव को विश्राम दिया गया आराम दिया गया। बहुत बढ़िया कितने पूरी तरह से इस फाइट के ऊपर अपना कब्जा जमा दिया। बहुत बढ़िया इस बार मोनू ने किसी हद तक बुझी हुई सभा को रोशन कर दिया। ये वहां पर तैयार नहीं था तेरा नो पहले सेमीफाइनल में भी चौथे सेट में ही फैसला हो गया था पर उसमें फर्क ये था कि पहले दो सेट एक टीम ने जीते और तीसरा एक ने जीता यहां पर एक एक बराबर हुआ पहले। और इसी के साथ यहां पर ये 14वां पॉइंट बना नो के जवाब में जीते ही कम से कम 11,000 रुपए एकदम कैश तैयार और अगर आगे भी पहुंचे तो वहां 21,000 है। किस्मत नहीं साथ भाई ऐसा ही होता है जब किस्मत साथ नहीं होती भाग्य साथ नहीं देता और ग्रेविटी डाउन होने शुरू हो जाती है फिर दौड़ा नहीं ऐसे 16-9 कभी कभी खुदा मेहरबान हो जाता है तो कदा भी पहलवान हो जाता है तो यहां पर अब ये एक तरफा पॉइंट बन गए 7 की लीड हो गई और ये 7 की लीड देखते ही देखते
कुछ ही मिनटों में हुई एकदम से। ये भी बार है थोड़ा सा झूठ बीच बीच में हल्का सा आटे में नमक की तरह झूठ बोलने का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। भाई वाह केशव का यहां पर कितना खतरनाक रवैया था। 18 बन गए, 7 की जरूरत है। दूसरी तरफ 10 बने हैं, उन्हें भी 15 की जरूरत है। उद्देश्या 8 पॉइंटों के लिए बारह 20 8 पॉइंट चाहिए, लेकिन सप्लाई जुड़ी रहेगी, इतना बात बनेगी। बीच बीच में अगर बाधित होती है, बीच बीच में स्पीड ब्रेकर आता है, रुकावट आती है, दिक्कत आती है, तो फिर समस्या बढ़ेगी। ये देखो फिट उठ गई 21-12 बहुत होते हैं। 21-12 में भी वही अंक है और 21 में भी नहीं भाई, अब हौसला कम कर दिया। बहुत ज्यादा बात थी और इसी के साथ ही फिर बाबा लक्ष्य तो हर कोई बनाता है, पर पाता वही है जिसकी कोई पहचान होती है। वही बदलते हैं रुख हवाओं का जिनके इरादों में जान होती है। अब इस मैच से रेलवे बहुत दूर चली गई और बाकी लगे इसी के साथ 24 हो गए और अब आखिरी पॉइंट की जरूरत है। 3-1 से सेटों के आधार पर जीतने के करीब खंजरपुर की मेजबान टीम। पच्चीसवां भी बन गया और इसी के साथ फाइनल में पहुंच गई दोनों टीमें, एक तरफ खंजरपुर की मेजबान टीम होस्ट टीम तो दूसरी तरफ लिबरेडी।